हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिविजन ऑफ योर इंग्लिश बुक वॉल्यूम टू ऑफ योर सेकेंड सेमेस्टर. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स, एंड इन योर एग्जामिनेशन यू हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम. सो लेट्स स्टार्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टूडेंट्स. दिस आर द ओनली क्वेश्चन जिसमें से आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ इसी में से आएगा. सो यू हैव टू क्लियर द डाउट्स एंड क्लियरली लर्न ऑल दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर वन, वॉट काइंड ऑफ मैन द शेपर्ड सेड द शाह वॉज. शाह किस टाइप का आदमी था. द शेपर्ड सेड द शाह वॉज अ मैन हु इज़ अकस्टम टू कमांडिंग पीपल. ऐसा इंसान था जिसको लोगों को कमांड देने की आदत है. वॉट इज़ द नेम टियान मीन्स. टियान मीन्स क्या होता है, हेवन. हु आर टियान्स फ्रेंड्स. टियान्स के फ्रेंड्स कौन थे. टियान्स फ्रेंड्स वर क्रेन्स. What did Tian want as repayment for making Wang rich? Wang को rich बनाने के लिए Tian को repayment क्या चाहिए था. He wanted him to teach others to be kind and generous. वो चाहता था कि वो दूसरों को भी ये सिखाए कि कैसे kind और generous बनना है. What kind of man was the shepherd? Shepherd किस तरीके का आदमी था. He was wise and kind man. Why was Tian called the Lord of Cranes? Tian को Lord of Cranes क्यों कहा जाता था. क्योंकि वो अपने क्रेन्स को बहुत प्यार करता था, उनकी केयर करता था. एंड बर्ड्स टियान को जितने भी वंडर्स वो देखते थे वो सबको जाकर बताते थे. और वो टियान बर्ड्स पे इतना डिवोटेड था कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता था. क्वेश्चन सेवन, व्हाई डिड द लिमिटेड फुटबॉल केयर डिड नॉट मेक द झारखंड टीम फील डिसहार्टेंड. झारखंड टीम के पास फुटबॉल केयर लिमिटेड होने के बाद भी वो डिसहार्टेंड नहीं हुई थी. उसका रीज़न क्या था. बिकॉज दे वर स्पिरिटेड एंड कॉन्फिडेंट. क्योंकि वो स्पिरिटेड थी और कॉन्फिडेंट थी. युवा नाउ रन्स अ फुल फ्लेज स्कूल विद 90 स्टूडेंट्स. वॉट इज द टर्म फुल फ्लेज मीन्स. फुल फ्लेज का मतलब होता है फुल्ली डेवलप्ड. नेम द टूर्नामेंट प्लेड बाय द झारखंड गर्ल्स. झारखंड गर्ल्स ने कौन सा टूर्नामेंट खेला था. गैस्टीज कप इन स्पेन. वाई डज द झारखंड टीम कॉल द सुपर कोर्ट्स बाय द ऑर्गेनाइजर्स. झारखंड टीम सुपर कोर्ट्स. झारखंड टीम को सुपर कोर्ट्स क्यों कहते थे ऑर्गेनाइजर्स. क्योंकि वो बैर फुट खेलते थे प्रैक्टिस मैचेस के टाइम पे. हु वॉज द फाउंडर ऑफ युवा. युवा का फाउंडर कौन है. फ्रांस गैसलर. और वो एक अमेरिकन नेशनल है. वॉट डज बघीरा एडवाइसेज मोगली. बघीरा ने मोगली को क्या एडवाइस किया. बघीरा एडवाइसेज मोगली टू गो डाउन टू द विलेज एंड टेक द रेड फ्लावर. उन्होंने एडवाइस किया कि वो विलेज में नीचे जाएँ और रेड फ्लावर लेके आएँ. वाई वॉज शेर खान बिकमिंग बोल्ड एंड एरोगेंट. शेर खान ज़्यादा ताकतवर क्यों होता जा रहा था. क्योंकि अकेला ओल्ड और फेबल, ओल्ड और कमज़ोर होता जा रहा था. इसलिए उसकी ताकत बोल्ड और अरोगेंट होती जा रही थी. व्हाई डिड द एनिमल्स कुड नॉट लुक मोगली इन द आई. एनिमल्स मोगली की आंखों में क्यों नहीं देख पाते थे. द एनिमल्स कुड नॉट लुक मोगली इन द आई बिकॉज मोगली वॉज अ ह्यूमन एंड वॉज वाइज. वो ह्यूमन था, इंसान था और चतुर भी था. What was the red flower? Red flower क्या था. Red flower was fire. Why did Mowgli started to feel sad? वो sad क्यों था. Mowgli started to feel sad because he was leaving the jungle. वो जंगल छोड़ने वाला था. I have the pack and I have you and Balu. Who said this to whom and why? ये line किसने किसको कही थी और क्यों. Mowgli ने ये line बघीरा को कही थी क्योंकि बघीरा Mowgli को cautious बना रहा था. शेर खान उसे किसी दिन मार देगा. What mood do the poem The Little Green Orchard express? Little Green Orchard में किस mood के बारे में express किया गया है. Mood of fear and airiness, डर और अकेलेपन के बारे में discuss किया गया है. What did the poet feel the someone's presence? Poet को किसी का presence कब feel होता है. When the sun is high in an unclouded sky, जब sun unclouded sky में बहुत ऊपर है तब उन्हें किसी का presence feel होता है. What does the line when you are the most alone all but silence gone means? इस line का मतलब क्या है. Means only silence surrounds you. मतलब कि हमारे आसपास सिर्फ साइलेंस है. What has the poet compared the moths to ghosties? Poets ने moth को ghosties से compare क्यों किया है. क्योंकि moth एक इस type के word हैं जिनके thin wings जो clearly night में नहीं दिखते हैं लेकिन उनके wings shine करते हैं moonlight में. तो वो ऐसा लगता है कि वो ghost की तरह हवा में float कर रहे हैं. Why is the poet not afraid? Poet afraid क्यों नहीं है. Because the child fear fascinates in the mind. The moon also sheds her bright light into the orchard. So the poet does not feel afraid. क्योंकि child अपने mind में imagine करता है सब कुछ और moon भी bright light orchard में डालती है इसलिए poet afraid नहीं होते हैं. Explain shedding her lonesome light. Shedding her lonesome light को explain करो. By shedding her lonesome light, it means the moon is alone in the sky. Moon sky में अकेला है और world
सोने चला गया है और इसलिए वो अपनी अकेले की ही लाइट पूरे स्काई में शेड किए हुए हैं. व्हाट डिड अक्सेनो सो व्हेन ही वाज ऑन हिज वे आफ्टर लीविंग इन इन को लिव करने के बाद अक्सेनो ने क्या देखा. अक्सेनो वाज ऑन हिज वे ही सॉ ट्रॉय का ड्रॉ अप एंड एन ऑफिशियल अलाइटेड फॉलोड बाय टू सोल्जर्स. तो अक्सेनो जब रास्ते में था तो उसने देखा कि एक ट्रॉय का उसके पास में आई है और उसमें से एक ऑफिशियल नीचे उतरे हैं और उनके पीछे दो सोल्जर्स नीचे उतरे हैं. इन विच टाउन डिड अक्सेनो लिव. अक्सेनो कहाँ रहते थे. टाउन ऑफ फ्लामिदिर लादेमर. फॉर वॉट वॉज अक्सेनो अक्यूज ऑफ. अक्सेनो पे किस चीज़ का इल्ज़ाम था. ही वॉज अक्यूज ऑफ मर्डरिंग अ मैन. किसी इंसान को मारने का इल्ज़ाम था. वेयर हैड अक्सेनो लिव्ड एज अ कॉन्विक्ट. कॉन्विक्ट में एज अ कॉन्विक्ट मतलब कि उनको कहाँ पर डाला गया था जेल में. तो कॉन्विक्ट एक क्राइम क्रिमिनल समझ के उनको साइबेरिया में डाला गया था. फॉर हाउ मेनी ईयर्स अक्सेनो वॉज क्रैप्ट इन प्रिजन. कितने सालों के लिए उनको जेल में डाला गया था. अक्सेनो वॉज क्रैप्ट इन प्रिजन फॉर 26 ईयर्स. 26 ईयर्स के लिए. डिड द मर्चेंट एंड अक्सेनो मेट एट निज़नी फेयर. क्या वो निज़नी फेयर में मिले थे. नो द मर्चेंट अक्सेनो डिड नॉट मेट एट निज़नी फेयर. डिड अक्सेनो हैड अ लॉट ऑफ फेथ इन ज्यूडिशियरी सिस्टम. क्या उन्हें ज्यूडिशियरी सिस्टम में बहुत सारा विश्वास था. नो ही डिडंट हैड एनी फेथ इन ज्यूडिशियरी सिस्टम. वॉट वॉज अक्सेनोज फुल नेम. अक्सेनो का फुल नेम क्या था. लॉन डिमरिच अक्सेनोव. ही वॉज हैंडसम फेयर हेड कर्ली हेडेड मैन. ही वॉज फुल ऑफ फन एंड फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. वॉट वॉज फाउंड इन अक्सेनोज बैग बाय पुलिस. पुलिस ने अक्सेनो के बैग में क्या ढूंढा. उनको एक अक्सेनो के बैग में एक ब्लड स्टेन नाइफ मिला. एक ऐसा चाकू जिस पर ब्लड का निशान था. अकॉर्डिंग टू द ऑथर हु इज़ अ हैप्पी मैन. हैप्पी मैन कौन है. द मैन हु डेवलप्स द हैबिट ऑफ रीडिंग फ्रॉम अ यंग एज इज़ अ हैप्पी मैन. ऐसा इंसान जो यंग एज से ही रीडिंग की हैबिट डाल देता है उसको ऑथर ने यहाँ पर हैप्पी मैन कहा है. हाउ सीरियस रीडिंग हेल्प्स माइंड एंड सोल. रीडिंग माइंड और सोल को कैसे हेल्प करती है. सीरियस रीडिंग हेल्प्स माइंड एंड सोल टू रिजुविनेट. रिजुविनेट करने के लिए रिकवर करने के लिए हेल्प करती है. टू होम हैज़ द ऑथर कंपेयर्ड अ बोरोड बुक. एक बोरोड बुक को किससे कंपेयर किया है. टू अ गेस्ट इन द हाउस. एक गेस्ट से कंपेयर किया है. वॉट आर द बुक्स अकॉर्डिंग टू द ऑथर. ऑथर के अकॉर्डिंग बुक्स को क्या है. बुक्स आर फ्रेंड्स हु हैव पर्सनैलिटीज ऑफ देयर ओन. ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं. What are the benefits of reading a book? Book reading के benefits क्या क्या हैं. Reading a book stimulates the mind. Mind को stimulate करता है. Reading lower stress. Stress को lower करता है. Reading provides knowledge. Knowledge भी provide करता है. What books does the author advise to read other than fiction? Fiction के अलावा author क्या advise करता है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. The author advises to read serious books like history, biography, science, travel and literature other than fiction. What kind of person is Ebenezer Scrooge? Ebenezer Scrooge किस तरीके का इंसान था. Ebenezer Scrooge keeps himself aloof and does not share the joy of Christmas with anyone. वो अपने आप को अकेला रखता है और क्रिसमस का जॉय किसी के साथ शेयर नहीं करता. How Marley looks in Scrooge dream. Scrooge के dream में Marley कैसा दिखता है. He looks pale and sad. His spirit has been condemned. Pale और sad दिखता है. Who haunted Scrooge. Scrooge को किसने डराया है. Scrooge was haunted by ghosts from past, present and future. Past, present और future के ghost ने Scrooge को डराया. How did the ghost of Christmas past look like? Christmas past का ghost कैसा दिख रहा था. He was looked like a child with white hair like an old man. एक ऐसा बच्चा जिसके old man जैसे white hair हो. Another idol has replaced me by another idol. What does the belly means? Belly का मतलब another idol मतलब कौन. Another idol belly means Scrooge had been loved money more than her. कि Scrooge उससे ज़्यादा money को पसंद करता था. Another idol कौन था. Money. What does Scrooge change at the end of the story? Story के end में Scrooge change क्यों हो जाता है. Scrooge changes because he realized that he was alone. उसको realize होता है कि वो अकेला है, friendless है और वो unmourned die मर जाएगा. How were Scrooge's days in boarding school? Boarding school में Scrooge के दिन कैसे थे. They were miserable and lonely. How was wind at night? Wind कैसी है night में. At night the wind roared. वो roar करती है. What is the meaning of death in the whatever she doth run. Meaning of doth is does. What does the poet mean by makes answer in the line. The jay makes answer as the magpie chatters. Makes answer का मतलब क्या है. The poet means that jay bird responds or calls out to the chattering magpie. Jay bird जो है वो magpie की बातों का respond करता है. They both talking to each other. और दोनों ही birds एक दूसरे से बातें करते हैं. तो इस makes answer का मतलब ये है.
What are the things that the poet describes? कौन सी चीज़ poet describe करता है? The poet describes the bright rejoicing sky after clouds and heavy rain. Clouds और heavy rain के बाद में rejoicing sky को describe करता है. Grass green है और clean है, rain drops से clean हो चुकी है और hair जो है वो run कर रही है joyfully. Write the meaning of the following words. Students, आपको इन सारे words का meaning learn करना है. एलिगेंट मतलब डिग्निफाइड, स्पेयर्स मतलब थीनली डिस्ट्रीब्यूटेड, अकम्पलिश मतलब हाईली ट्रेन, कन्विंस मतलब परसुएट, कोर्स मतलब एवरीडे जॉब्स, नोशन मतलब आइडिया, सलनली मतलब बैड टेम्पर्ड, वेरीली मतलब इन अ वेरी टायर्ड मैनर, फ्लैटर मतलब प्रेज, अराउज्ड मतलब वोकअप, मर्थ मतलब हैप्पीनेस, टैटल मतलब गॉसिप, लीजर मतलब रिलैक्सिंग, सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, वेंचर मतलब मूव, रिप्लेनिश मतलब रिस्टोर, बेनेवोलेंट मतलब वेल मीनिंग एंड काइंडली, सॉलिटरी मतलब लोनली, इम्प्लोर्स मतलब बैग्स अर्नसली, रिजॉयसेस मतलब शोज ग्रेट जॉय, मोर्स मतलब ओपन एरियाज ऑफ हिल्स कवर्ड विथ रफ ग्रास. सो स्टूडेंट्स, दिस आर द क्वेश्चन बैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन. यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चंस एंड नाउ start learning and writing these questions in your copy and send me the PDF of this question bank in your copy.